2016 के बाद जियो ने इंडिया में एक रेवोल्यूशन ला दिया, जिसके बाद मानो सस्ते इंटरनेट ने शहर से लेकर गांव तक हर किसी को एक ऐसी दुनिया से जोड़ दिया जो किसी फिक्शनल वर्ल्ड से कम नहीं है। मगर बढ़ते इंटरनेट यूजर्स को देखते हुए काफी लोगों ने इसका फायदा उठाया और कई सारे फील्ड्स में रेवोल्यूशन लेके आए। एक डेटा के अकॉर्डिंग 2019 में 23% इंडियन सिंगल थे जिनकी एज 15 से लेके 29 के बीच की थी, और यह आंकड़ा सन 2011 में 17.2% था। ये स्टैट्स ऐसे सुनने में हमें बहुत ज्यादा कम लग रहे होंगे, मगर वहीं अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन देखने जाएं तो यह नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है। इस डेटा को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐप्स ने इतने बड़े मार्केट में एंट्री लिया, जिसमें से एक नाम टिंडर था। इस अकेलेपन का इलाज पाने के लिए काफी लोगों ने डेटिंग ऐप्स का सहारा लिया, काफी मतलब लिटरली काफी। रुको कुछ डेटा दिखाता हूँ। 2018 में 20 मिलियन इंडियंस डेटिंग ऐप यूज कर रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यहाँ पे ये है कि इस डेटा में सिर्फ और सिर्फ 5 सालों के अंदर 293% का जंप देखने को मिला। जी हाँ, 293%। तब जाके ये आंकड़ा 2023 में 82.4 मिलियन यूजर्स का हुआ। बढ़ते अकेलेपन को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस टाइकून्स ने ही मिल्क नहीं किया, बल्कि कुछ स्कैमर्स ने भी मिल्क किया, और इस तरीके से मिल्क किया जो कि काफी यूनिक था। और अगर ऐसे स्कैम बाहर नहीं आते तो लोगों को ये भनक तक नहीं लगती कि मार्केट में इस टाइप के भी स्कैम्स हो रहे हैं। तो चलो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए, लेट्स अनफोल्ड द ऑनगोइंग डेटिंग ऐप स्कैम्स इन इंडिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी वीडियोस में बहुत ज्यादा मेहनत और लगन लगती है, साथ ही साथ रिसर्च भी लगती है। मुंबई, सपनों का शहर, एक ऐसा शहर जो कि कभी नहीं सोता, एक ऐसा शहर जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 BHK लेने में ही लोगों की जिंदगी भर की कमाई निकल जाती है। ऐसे शहर में जब लोग हर एक खर्चे को संभाल के करते हैं, वहीं पे कुछ लोगों ने डेटिंग एप्स के जरिए स्कैम करने का प्लान बनाया, और इस प्लान की चपेट में कई सारे लोग आ भी गए। मुंबई के एक एम्बोली पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज होती है जो कि इस स्कैम से रिलेटेड पहली केस थी। उस केस में एक आदमी ने ये कंप्लेंट किया कि डेटिंग एप्स के जरिए उसे लड़की मिली जिसके साथ उसने कुछ दिनों तक बातचीत किया, जिसके बाद उस लड़की और लड़के के बीच मिलने की बात हुई। लड़का खुशी खुशी उस लड़की से मिलने गया तो उस लड़की ने उसे गॉडफादर नाम के होटल कम बार में बुलाया। वहां उन्होंने कुछ टाइम बिताया, कुछ ऑर्डर किया, सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी वो लड़की कुछ बहाने से बाहर जाती है, और तभी अचानक से वेटर उस लड़के के सामने आके एक लंबा चौड़ा बिल दे देता है। वो बिल किसी के भी मंथली पेमेंट से ज्यादा थी। अगर आदमी कुछ कहता तो वही होटल का स्टाफ उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता। 23,000 आपको पे, हमें 15 मिनट के अंदर मुझे पैसे चाहिए। और बात रही उस लड़की की तो वो तभी गायब हो जाती, क्योंकि उसका काम यहीं तक था। ये सब एक प्लानिंग के तहत चल रहा था। एक और केस मुंबई के बंगो नगर पुलिस स्टेशन ने फाइल किया, जिसमें सेम होटल यानी गॉडफादर होटल के मैनेजर, एक औरत और कुछ और लोगों के खिलाफ बंगो नगर पुलिस ने केस फाइल किया, जिसके बाद बंगो नगर पुलिस ने गोरेगांव वेस्ट के रॉयल इन होटल में रेड किया जहां वो सारे के सारे एक्यूज्ड रुके हुए थे। पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए एक स्टेटमेंट दी कि यहां पे काफी टाइम से मुंबई में एक गैंग एक्टिव थी जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली, जो कि डेटिंग एप्स के जरिए आदमियों को टारगेट करती थी और अपने ट्रैप में फंसाने के बाद उनसे पैसे लूट लेती थी। हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि सारे एक्यूज्ड गोरेगांव वेस्ट के रॉयल इन होटल में रुके हुए हैं, तो हमने वहां जाके रेड किया और तुरंत वहीं पे सबको अरेस्ट कर लिया। सारे एक्यूज्ड दिल्ली से थे जो कि मुंबई के क्लब्स में आकर वेटर अटेंडेंट्स वगैरह की जॉब किया करते थे। सारे आरोपी यंग थे, अपने 20s में थे। ये गैंग काफी बड़ी थी जिसमें करीब 15 लोग शामिल थे। ये सारे दिल्ली से मुंबई इस स्कैम को ऑपरेट करने ही आए थे। पुलिस ने उन आदमियों के नाम तो डिस्क्लोज कर दिए, लेकिन उन एक्यूज्ड औरतों के नाम नहीं बताए, जो कि मुझे काफी गलत लगा। इसलिए मैं यहाँ पे आदमियों की भी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहा, क्योंकि अगर कोई आरोपी है तो बस वो एक आरोपी है, उसके जेंडर से मतलब नहीं होना चाहिए किसी को, उसे एक आरोपी की ही नजर से देखना चाहिए। साथ में जो लड़कियां स्कैम करके उन लड़कों को गॉडफादर क्लब में फंसा के भाग रही थी, उनका भी चेहरा ब्लर कर दिया गया, जबकि उन विक्टिम लड़कों का चेहरा बिल्कुल भी ब्लर नहीं किया गया। सारे एक्यूज्ड को स्कैम किए गए अमाउंट में से कुछ परसेंटेज मिलता था। कुछ एक्यूज्ड पकड़े गए और कुछ ने शहर छोड़ दिया। दरअसल ये कंप्लेंट 26 साल के प्रतीक थरवाल ने बंगो नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया था, जिसमें उसने पुलिस को बताया था कि मैं गोरेगांव का रहने वाला एक LIC एजेंट हूँ। मैंने अपनी प्रोफाइल वाइल्ड ऐप पे बनाया और September 3 के दिन उसी ऐप के जरिए एक मुस्कान नाम की लड़की से कनेक्ट हुआ। बातचीत थोड़ी आगे बढ़ी तो हम दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। हमने नेक्स्ट डे शाम के अराउंड 5 बजे अंधेरी वेस्ट में मिलने का प्लान बनाया, जहां मुस्कान मुझसे मिलते ही
गॉडफादर क्लब में जाने की जिद करने लगी, जिसके बाद हम गॉडफादर क्लब गए, जहां मुस्कान ने फटाफट ऑर्डर प्लेस कर दिया, जिसमें 5 पैक्स डब्लू ब्लू ड्रिंक के थे, 60 ml ईच, 2 रेड बुल, मिनरल वाटर, एक कोल्ड ड्रिंक, हुक्का और एक पिज्जा शामिल था। मैंने ये नोटिस किया कि ड्रिंक कुछ जेन्युइन नहीं था और मुस्कान ने वहां पे 3 पैक पी लिए थे, तब भी उसे कुछ असर नहीं हो रहा था। फिर मैंने नोटिस किया कि उसने वेटर के सामने कुछ हैंड सिग्नल्स टाइप की चीजें करी, जिसके बाद वेटर ने मेरे सामने एक 35,949 रुपीस का बिल लाके दे दिया, जिसे देख के मेरा होश उड़ गया। जब मैंने मुस्कान से बिल स्प्लिट करने को कहा तो शुरू में तो वो मान गई, मगर बाद में एक फोन कॉल का बहाना दे के वहां से गायब हो गई, जिसके बाद मेरे कई कॉल्स करने के बावजूद भी उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब मुझे समझ आ चुका था कि मेरे साथ स्कैम हो चुका है, जिसके बाद मैंने होटल मैनेजर से इसके बारे में पूछा तो सारा होटल मैनेजमेंट का स्टाफ मिलके उल्टा मुझे ही धमकाने लगा, जिसके बाद मजबूरी में आके मैंने उन्हें 35,000 ऑनलाइन भेज दिया। इसके बाद भी वो नहीं माने और बचे हुए पैसे मेरे पॉकेट से छीन लिए। थोड़ी देर बाद जब मैंने बिल देखा तो उस बिल पे साफ साफ मुझे देख के पता चल गया कि जो बिल पे डेट लिखी हुई थी वो तो आज की थी ही नहीं। इससे ये कन्फर्म हो गया कि मेरे साथ स्कैम हुआ है। इस कंप्लेंट के बाद क्या हुआ ये मैंने आपको बताया ही। पुलिस ने इन पे भारतीय न्याय संहिता BNS के सेक्शन 3(5), 308(3), 318(4) और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत भी कई सारी धाराएं लगाई। बढ़ते डेटिंग कल्चर को देखते हुए स्कैम्स और स्कैमर्स की संख्या भी उसी तेजी से बढ़ रही है। कुछ फेमस डेटिंग ऐप स्कैम्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जैसे द रोमांस स्कैम। इस स्कैम से स्कैमर्स फेक प्रोफाइल बनाकर दूसरे लोगों से रोमांटिक बातें किया करते हैं, उन्हें इमोशनली अटैच करवा देते हैं, सामने वाले इंसान को फिर अपने दुख भरी कहानी बताकर पैसे लूट लेते हैं। दूसरा द फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम्स। इस स्कैम में स्कैमर्स विक्टिम को किसी फेक बिजनेस या फिर किसी फेक स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए पटा लेते हैं, जिसके बाद एक बार जब विक्टिम पैसे इन्वेस्ट कर देता है तो स्कैमर्स उन्हीं पैसों को लेके गायब हो जाते हैं। और तीसरे तरीके के स्कैम्स होते हैं ये बिल वाले स्कैम्स, जो कि आजकल मार्केट में नए आए हैं। स्कैमर्स कुछ इन तरीकों का इस्तेमाल करके आपको लूटना चाहते हैं, तो आप कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनसे आप ऐसे स्कैमर्स से बच सकें। हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। पहला, अगर आपसे बातचीत करने के तुरंत बाद कोई पैसे मांगे, इमोशनल होने की जगह दिमाग से सोचो कि कोई जेन्युइन इंसान इतनी जल्दी भला पैसे थोड़ी मांग लेगा। किसी तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने से पहले आप अच्छे से ये वेरीफाई करो वीडियो कॉल्स वगैरह के जरिए कि सामने वाला कहीं लड़की बनके आपसे बात तो नहीं कर रहा, या फिर उस लड़की के पीछे वाकई में एक लड़का बैठा है। साथ ही साथ उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चेक करो और ये पता करो कि वो इंसान सच में एक्चुअली में जेन्युइन है कि नहीं। तीसरा, आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से बचो, जैसे कि बैंक डिटेल्स, एड्रेस वगैरह। चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपकी गट फीलिंग ये कह रही है कि वो इंसान मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो अपनी उस फीलिंग को इग्नोर मत करो, उसको सुनो। पांचवा, आप उस आईडी को रिपोर्ट भी मार सकते हो अगर उस आईडी ने कुछ सस्पिशियस बिहेवियर किया तो। वैसे तो स्कैमर्स कोई ना कोई नया तरीका आए दिन निकाल ही लेते हैं लोगों को स्कैम करने के लिए, मगर आप जागरूक होके थोड़ा इमोशनल होने से बचोगे, दिमाग का अच्छे से यूज करोगे, तो आप इजीली इन टाइप के स्कैम से बच सकते हो। ऐसे स्कैमर्स ने इंडिया की इमेज वेस्टर्न कंट्रीज में भी बर्बाद कर दी है। उन स्कैम वीडियोस के नीचे ऑलवेज इन इंडियन टाइप के कमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जरा सोचो कि उनके दिमाग में हमारी इमेज क्या बनेगी, कि अरे ये तो इंडियन है तो स्कैमर ही होगा। हमें इससे सतर्क रहना होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माई पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। साथ ही साथ डू चेक आउट माय इंस्टाग्राम टू, वहां पे भी मैं इसी टाइप के कंटेंट रिलेटेड वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस डालता रहता हूँ। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। और मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का ना है।